आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज का शिव की पावन धरा पर प्रथम आगमन हुआ। शिव की पावन धरा पर आगमन होने पर लोगों ने पलक पांवड़े बिछाकर उनका स्वागत किया। जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की जन्मभूमि कर्मभूमि में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज का लोगों ने बहुत धार्मिक भाव से उत्साह से स्वागत किया। सनातन दृष्टिकोण से समस्त विश्व में भारत की भूमि सबसे पवित्र मानी जाती है। इस भूमि पर समय समय पर अनेक भगवत अवतार हुए हैं। भगवान नारायण से आरंभ होने वाले गुरु परंपरा में भगवत पाद आद्य शंकराचार्य संवत 2020 से 2530 वर्ष पूर्व अवतरित हुए। उन्होंने भारत को एकता के सूत्र में निबद्ध किया। भारत की चार दिशाओं में चार वेदों के आधार पर चार पीठों की स्थापना कर देश की धार्मिक और सांस्कृतिक सीमा को सुदृढ़ बनाया। इन्हीं चार पीढ़ियों में से अन्यतम उत्तरागमाय ज्योतिर्पीठ बद्रिकाश्रम हिमालय के वर्तमान जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के बारे में हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के ब्राह्मणपुर गांव में श्रावण शुक्ल द्वितीया दुंदु भी संवत 2026 15 अगस्त 1969 को शुक्रवार को आपकी माता अनारा देवी, पिता पंडित राम सुमेर पांडे के घर आपका आप अवतरित हुए और आपका नाम उमा शंकर पांडे रखा गया। ब्राह्मणपुर के स्थानीय विद्यालय में जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज की विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा हुई। बाल्यकाल से ही उमा शंकर पांडे कुशाग्र बुद्धि एवं बहुत चमत्कारिक व्यक्तित्व के धनी थे। तीसरी कक्षा में ही अध्यापक गण इन्हें अपनी कुर्सी पर बैठाकर पढ़ाते थे। छठवीं कक्षा तक की शिक्षा स्थानीय विद्यालय में हुई। इसके बाद की शिक्षा गुजरात के बड़ौदा स्थित महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी में हुई। इसके बाद ज्योतिष पीठाधीश्वर, द्वारका पीठाधीश्वर, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज का सानिध्य पाकर उनकी प्रेरणा से काशी में संस्कृत अध्ययन के लिए वे आगे गए। उनके द्वारा बहुत से धार्मिक कार्य कराए गए, बहुत धर्म कर्म में उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। सनातन धर्म में किस तरह का आचार विचार आचरण होना चाहिए इस बारे में भी उनके द्वारा सीमाओं को बांधा गया। इस सीमा के बाहर सनातनी को किस सीमा में रहना चाहिए इस बारे में उनके द्वारा जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के अनन्य शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आपको दिख रहे होंगे सिंहासन पर बैठे, और सिंहासन सिवनी शहर शिव की नगरी में कई जगहों से विचरित होता हुआ कई जगहों से जा रहा है। शहर के मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। महिलाएं उनकी शोभा यात्रा की अगवानी के लिए यहाँ तैयार हैं और स्थानीय परंपराओं के अनुसार ढोल बाजे बजाकर नृत्य करके स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज की अगवानी की जा रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज को जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के अवसान के उपरांत उन्हें ज्योतिर्पीठ का शंकराचार्य नियुक्त किया गया है। ज्योतिर्पीठ बद्रिकाश्रम हिमालय में स्थित है। जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की विशेष कृपा वर्तमान शंकराचार्य
स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती महाराज पर है। बहुत कठोर तप, कठोर तप के उपरांत साथ ही साथ उनके द्वारा बहुत अध्ययन किया गया। वे लगातार ही अध्ययन करते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा लगभग 1.5 साल पूर्व जब जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के द्वारा दिगोरी में प्रवास किया गया था, दिगोरी में वे पहुंचे थे और दिगोरी में उनके द्वारा प्रवचन दिए गए थे, तब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज भी आए थे और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज से एक बहुत लंबा साक्षात्कार समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया था, उसे हमने आपको दिखाया था। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज, यहाँ देखिए आप जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सरस्वती महाराज आपको दिखाई दे रहे होंगे। उनको सिवनी की जनता, सिवनी के धर्मावलंबी उनके ऋणी हैं कि उनके द्वारा जो भी रास्ते दिखाए गए, जो भी पथ प्रदर्शित किया गया, उस पथ पर सिवनी के लोग चलते रहे, सनातन धर्मी चलते रहे और धर्म की रक्षा के लिए जगतगुरु के द्वारा जितने भी दिशा निर्देश दिए गए, उन दिशा निर्देशों का पाठ का पालन शिव की नगरी के नागरिकों के द्वारा, उनके अनुयायियों के द्वारा किया गया। लाखों करोड़ों की तादाद में उनके अनुयायी, जगतगुरु के अनुयायी शिव की नगरी सहित पूरे देश और विदेश, मध्य प्रदेश, भारत देश और विदेशों में भी उनके अनुयायी हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के अनन्य शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद महाराज की, यहाँ आप देख सकते हैं, ये शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजर रहे हैं उनकी शोभा यात्रा। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के द्वारा जब भागवत कथा दिघोरी में की गई थी, उस दौरान जगतगुरु शंकराचार्य, वर्तमान जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का एक बहुत लंबा साक्षात्कार समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया था और उस साक्षात्कार को आपने देखा भी था। लगभग 1.5 साल पूर्व साक्षात्कार को लिया गया था। शहर के विभिन्न मार्गों से शोभा यात्रा गुजरती हुई, लोग पलक पांवड़े बिछाकर जगतगुरु शंकराचार्य जो वर्तमान में हैं, जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती महाराज की अगवानी कर रहे हैं। ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं मंगलवार 3 अगस्त 2023 का। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।